तो आज का जो टॉपिक है ये तीसरा टॉपिक है हमारा इस सीरीज में, और मैं आपको एक ही चीज़ इसमें शेयर करना चाहूँगा। अवेयरनेस क्या होती है? अवेयरनेस, अवेयरनेस मतलब कि जो आसपास आपके चल रहा है ना। आप किसी भी स्टेज पे हो सकते हैं लाइफ में, आप एक स्टूडेंट हो सकते हैं, एक ग्रेजुएट हो सकते हैं, एक एम्प्लॉयर है ना, खुद का आपने काम अभी शुरू किया है, कोई स्टार्टअप हो सकते हैं, कोई भी स्टेज पर आप लाइफ में हैं, अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैं स्टेप बाय स्टेप इसको ब्रेक डाउन करूं आपकी स्टेज के हिसाब से, तो स्टूडेंट है तो स्टूडेंट को ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि जो अभी की चीज़ें मार्केट में इवॉल्विंग है, मतलब जो ट्रेंडिंग है, वो उन सेक्टर्स या उन इंडस्ट्रीज रिलेटेड कोई एक स्किल को सीखे। जैसे ऑनलाइन बिजनेस प्रेजेंस और ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि सारे ऑफलाइन बिजनेस धीरे धीरे ऑनलाइन शिफ्ट हो गए हैं, और कोविड के बाद तो आप भी देख रहे हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं पहले ऑफलाइन जो थी सिर्फ, वो भी ऑनलाइन आ गई हैं, है ना। तो इस केस में आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट सीख सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं, एक बहुत इमर्जिंग और अच्छी फील्ड है आपके लिए अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, बिकॉज इसमें आपको जो स्किल्स चाहिए वो सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, पर्सपेक्टिव चाहिए, यूज़र पर्सोना सीखना आपको ज़रूरी है, जो आप बहुत सारे AI टूल्स की मदद से भी सीख सकते हैं, है ना। तो अपने यूज़र पर्सोना के हिसाब से किस तरह से सोशल मीडिया मैनेजमेंट करना है, क्लाइंट की ब्रांडिंग कैसे बनानी है, उसको कैसे ग्रो कराना है उसके बिज़नेस को, वो आप कर सकते हैं। अगर आप एक फ्रेश ग्रेजुएट हैं, अभी आप फ्रेशर हैं, आप जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं, यह है कि जिस स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन करी है, जैसे कॉमर्स में करी है, तो उससे रिलेटेड आप कोई सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे आप कोई शॉर्ट टर्म कंप्यूटर अकाउंटेंट का सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, आप GST का सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, या आप हमारा भी AI बेस्ड स्टार्टअप कंसल्टिंग का जो कोर्स है वो कर सकते हैं, जो कॉर्पोरेट अकेडमी का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हमने ये इनिशिएटिव इसलिए शुरू किया था कि जिससे बच्चों को हम हेल्प कर सकें कि वो एक अच्छे स्टार्टअप कंसल्टेंट बन सके AI की मदद से। थोड़ा सा यूनिक है ये, है ना, मार्केट में अभी शायद हम ही फर्स्ट हैं जिन्होंने ये पर्सपेक्टिव से एक सर्टिफिकेशन लॉन्च किया, बिकॉज इसमें हम कैसे पिच डेक बनती है, कैसे ChatGPT को बिजनेस ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं, ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए यूज़ करते हैं, और कैसे सर्टिफिकेशन जैसे स्टार्टअप इंडिया, जेम पोर्टल, ये वाले सर्टिफिकेशन कैसे करते हैं, तो ये सब चीज़ें अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपके लिए ये रेलिवेंट रहेगा। अगर आप एक स्टार्टअप हैं और आप चाहते हैं कि आपको ये चीज़ें पता रहे कि आपके एक पर्टिकुलर बिजनेस में या स्टार्टअप में जो काम आपने शुरू किया है उसमें क्या क्या इमर्जिंग या इवॉल्विंग चीज़ें हैं, तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट अवेयरनेस ये होनी चाहिए कि आपको कंपटीशन जो आपका है उसका कंपटीटर एनालिसिस करते रहना चाहिए। आपको गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का पता होना चाहिए, आपको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसीज, आपके जो इंडस्ट्री है उससे रिलेटेड लाइसेंसेस, रेगुलेशंस, कंप्लायंसेस, इनका पता होना ज़रूरी है। प्लस आपके बिजनेस रिलेटेड जो ग्रोथ आप कर सकते हैं, तो किस किस टेक्नोलॉजी को, किस किस टूल को आप यूज़ करके अपनी मार्केटिंग, जैसे ईमेल मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग, ये सब चीज़ें आप कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें अवेयरनेस है। आप जितने ज़्यादा अवेयर रहेंगे, जितने ज़्यादा आपके कान आँख और मुँह खुला रहेगा, उतना आप बेटर वे में अवेयरनेस भी कर पाएंगे और क्लाइंट्स को लेप के भी आ पाएंगे, क्योंकि अवेयरनेस जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा नॉलेज होगी, प्लस प्रोडक्ट नॉलेज या सर्विस नॉलेज जितनी ज़्यादा होती है उतना ही बेटर हमारा कन्वर्जन रेट भी होता है। कन्वर्जन रेट जब मैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब कि अगर आप स्टार्टअप है, आपका कोई प्रोडक्ट या सर्विस ऑफरिंग है, यहाँ तक कि अगर प्रोडक्ट सर्विस अभी तैयार भी नहीं है बट आपको एक बेसिक कंसेप्ट पता है, तो आप इनिशियल कस्टमर्स अपने नॉलेज या अवेयरनेस के बेसिस पे भी लेके आ सकते हैं और अपने बिजनेस को आप नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। आपने ड्रॉपबॉक्स का नाम सुना होगा, ड्रॉपबॉक्स भी एक ऐसा ही स्टार्टअप है, उन्होंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया था जब उन्होंने अपना MVP लॉन्च किया, जिसे मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बोलते हैं। तो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट MVP से वो 75,000 लोगों को अपनी एक लैंडिंग पेज पे ले आए और इनिशियल सब्सक्राइबर बना के उन्हीं को ही उन्होंने अपना पहला सब्सक्राइबर भी बनाया बिना किसी प्रोडक्ट के, ठीक है। तो सिर्फ एक आइडिया के बेस पे उन्होंने 75,000 सब्सक्राइबर्स को अपने पास ले आए। देखिए मेन चीज़ इम्प्लीमेंटेशन है, आइडिया सबके पास होते हैं, आपके पास 50 आइडिया होंगे, अगेन किसी भी स्टेज में आप हो सकते हैं, तक सोच चुके होंगे, अगर आप टोटल करेंगे तो 1,000 में डेफिनेटली आपके आइडियाज़ होंगे, बट इम्प्लीमेंट आपने एक भी नहीं किया होगा। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको कोई रोक नहीं रहा है, आप खुद ही अपने आप को रोक रहे हैं। आज ही जो भी चीज़ आपको लगती है कि इसको आप अच्छे से कर सकते हैं, आपका इसमें इंटरेस्ट है और लोग इसके लिए पैसा पे करने को तैयार है, है ना, और वो एक प्रॉब्लम है और बड़ी प्रॉब्लम है ना, जो दूसरे लोग शायद उतने अच्छे से सॉल्व नहीं कर पा रहे या कोई सॉल्व ही नहीं कर रहा, उस आइडिया को पकड़ के आप लग जाइए। मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि आप अपना बिजनेस ग्रो होते हुए बहुत जल्दी देखने वाले हैं। नमस्कार, CMI Equity की ओर से।